सोलन के लोक निर्माण विभाग में जेई की मौत से कार्यालय के कर्मचारी बेहद सदमे में हैं और बेहद चिंता में दिखाई दे रहे हैं। अधिशासी अभियंता अरविंदर कुमार ने बताया कि सहायक अभियंता कार्यालय में तैनात जेई कुछ समय पहले बीमार हुआ। उनका टेस्ट हुआ, टेस्ट में वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्हें घर में क्वारंटीन किया गया, लेकिन घर पर भी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। कोविड केयर सेंटर लाया गया, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया, जहाँ से शिमला रेफर कर दिया गया। शिमला में विभाग के जेई ने जाकर दम तोड़ दिया, जिसके चलते विभाग के सभी कर्मी बेहद दहशत में हैं और सभी को विभाग द्वारा सावधानी रखने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि बाहरी विभागों से कार्यालय में आने वाली सभी फाइलों को सैनिटाइज किया जा रहा है और अगले दिन ही उन फाइलों को देखा जाता है। जब भी कोई व्यक्ति कार्यालय आता है तो पहले उसके हाथ सैनिटाइज करवाए जाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। ये बड़ी ही दुखद घटना अभी हुई थी। अभी कोई दो हफ्ते पहले मुझे रिपोर्ट आई थी कि हमारा जो सोलन सब डिवीज़न का कार्यालय है वहाँ तैनात एक जेई जो हमारे बड़ोग सेक्शन को देखते थे और थोड़ा स्थानीय सोलन भी देखते थे, तो उनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई थी। तो तुरंत एक्शन लेते हुए कार्यालय को जिला प्रशासन से संपर्क करके 3-4 दिन के लिए बंद कर दिया था। सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू किया गया, पहले भी करते थे, उसके बाद स्पेसिफिकली किया गया और पूरा कार्यालय जो सहायक अभियंता सोलन का था वो बंद किया गया। और उसके बाद लगभग सभी ने अपने अपने जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसके हिसाब से उनको टेस्ट, किसी भी तरह का सिम्टम आने की स्थिति में अपने टेस्ट कराने को कहा गया था, तो लगभग सभी नेगेटिव आए थे। और जो संबंधित दुर्भाग्यवश जो जेई साहब थे उनकी तबीयत कुछ दिन ठीक रहने के बाद वो होम क्वारंटीन हो गए थे, तो अचानक कुछ तबीयत बिगड़ी। और अभी बड़े दुख के साथ बताना पड़ता है कि अभी परसों एक तारीख को शाम के समय हमें पता चला कि उनकी IGMC में डेथ हो गई। हाँ, यहाँ भी हम एहतियाती जो भी हमारे SOP कोविड से संबंधित प्रेस्क्राइब्ड है उसके अनुसार सैनिटाइजेशन, डिस्टेंसिंग और मिनिमम जिसे कहते हैं भीड़ ना होने दी जाए, उस ढंग से हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। जैसे यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको भी आपने कुछ दिशा निर्देश दिए? हाँ, मैंने स्पष्ट किया है कि कमरे में कोई आवश्यक हो तो पहले कमरे से बाहर ही स्कूटनी कर ली जाए। जैसे डाक आती है तो उसको हम पूरा वो करते हैं, स्प्रे करते हैं, सैनिटाइज करते हैं, और बाहर से जो आती है उसको लगभग एक दिन बाद फिर आगे अगले दिन प्रोसेस करते हैं और सैनिटाइज करने के बाद। बाकी निजी तौर पे भी हमने इनको सबको कहा है अपने कार्यालय में, सभी जो अधीनस्थ हमारे यहाँ कार्य करते हैं, कि आप एहतियात बरतें। इसका बेसिक यही है कि हर समय मास्क पहन रखें और सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करें।